Good morning, students. Welcome in your mathematics class. Now, today our topic is expanded form. Look at 3498. Write it in expanded form. First, we write here ones, tens, hundred, and thousand. 3000 plus 400 plus 9 tens plus 8 ones. ये हमने पिछले साल भी किए थे. अब हम इन एक्सपेंडेड फॉर्म को थ्री वेज में लिखना सीखेंगे. ठीक है, जैसे ये आपका एग्जांपल है. लुक एट दिस एग्जांपल. फर्स्ट वी राइट हियर वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड लैख. दिस इज लैख, नाइन लैख. क्या इसको हम थ्री वे में लिख सकते हैं? नाइन वे, एक इस तरीके से 9 लाख, एक 9 × 1 लाख, ये भी बन जाएगा 9 लाख. 9 लाख, 5 × 0 लिखने से 9 लाख बन गया. जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख. तो हम 9 लाख को थ्री तरह से लिख सकते हैं. नाउ सेकंड इज 7000, 10,000, 7 × 10,000. यह हम ये लिख सकते हैं 7 10,000 या 70,000. 7 10,000 को 70,000 बोलते हैं. नाउ लेट्स 5000. 5 की प्लेस वैल्यू है 1000. 5 × 1000 प्लस 5000 या प्लस 5000, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं. नेक्स्ट है 200. 2 × 100 या 200 या दिस 200. उसके बाद है हमारा 1 tens. तो हम 1 tens मतलब 10, तो 1 × 10 या हम लिख सकते हैं 1 10 या लिख सकते हैं 10. नाउ लुक वंस, 8 ones. तो 8 × 1 या हम लिख सकते हैं 8 ones या प्लस 8. तो हम तीन तरीकों से लिख सकते हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल देखो. जैसे कि क्वेश्चन है 91,409. ठीक है, तो इसको हम पहले देखो इस तरीके से लिखेंगे. 9 ये है 10,000, तो ये 90,000 प्लस 1,000 है तो 1,000, 400 है तो प्लस 400, 0 tens है प्लस 0, 9 ones है प्लस 9. ठीक है, फिर दूसरी तरह से सेकंड वे क्या है, 9 10,000 है तो 9 × 10,000, 1000 है तो प्लस 1 × 1000, 400 प्लस 4 × 100 प्लस 0, टेंस 0, 0 × 0 होता है, इसलिए ये लिखो या ना लिखो, प्लस 9 × 1 क्योंकि 9 ones है. एंड थर्ड वे है इनको 9 10,000. बस यहाँ हमने नंबर में लिखा है, यहाँ न्यूमरल्स में लिखेंगे 10,000. 9 10,000 प्लस 1000 प्लस 400 प्लस 0 tens प्लस 9 ones. हम ये तीन तरीकों से लिख सकते हैं. इसी तरह से एक और एग्जांपल किया मैंने. पहले हम प्लेसेस लिखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड लैख. 1 lakh, 13,000. तो 1 क्या है इसमें, 10,000 है, 3000 है, 600 है, 2 tens है, 5 ones है. तो हम इसी तीन तरीकों से जैसे मैंने अभी ऊपर बताया है, यहाँ लिखेंगे 1 lakh प्लस 1 10,000, ये 1 10,000 प्लस 5 3000 प्लस 600 प्लस 2 tens प्लस 5 1. ये इसी का ही दूसरा वे है 1 lakh. तो हम 1 lakh ऐसे भी लिख सकते हैं. देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड lakh. तो ये बन गया 1 lakh. 1 lakh प्लस 1 10,000 का मतलब होता है 10,000. तो ये हमने लिखा 10,000 प्लस 3000 प्लस 600 प्लस 20 प्लस 5. अब तीसरे तरीके से 1 × 1 lakh प्लस 1 × 10,000 है तो 10,000 प्लस 3000 है तो मल्टीप्लाई 1000 प्लस 600 है तो मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 tens है तो मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 ones को 1 से. इसी तरह से अब आप ये और एग्जांपल करेंगे. ठीक है, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे. धन्यवाद.